उबले हुए 3 आलू लिए हैं, 2 चम्मच मैदा लिया है, 6 ब्रेड ली है, उसका चूरा बना लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 2 पिंच काली मिर्च पाउडर लिया है और धनिया बारीक काट लिया है। कटहल लिया है 300 ग्राम, इसको उबाल लेते हैं। एक गिलास पानी डाल देते हैं, 1 सीटी आने तक उबाल लेते हैं। कटहल उबल गया है, ठंडा होने रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा फिर इसके बीज अलग कर देंगे। ब्रेड का चूरा बना के तैयार कर लेते हैं। चूरा बनके तैयार हो गया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। कटहल के बीच निकाल के इसको निचोड़ लिया है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल लिया है। मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेड का चूरा, ब्रेड का चूरा आधा डाल लिया है, काली मिर्च बाद में इस्तेमाल करेंगे। मिक्सचर तैयार हो गया है। कटलेट फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो रहा है तब तक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। घोल बनके तैयार हो गया है। कटलेट बना के तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से 4-5 बना के फिर फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से थोड़ा सिक जाएंगे तब पलटेंगे। एक तरफ से थोड़ा सिक गए हैं, अब पलट देंगे। पलट पलट के सेक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। कटलेट सिक्के तैयार हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं।
कटहल के कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। आप अपने घर में बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।